हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रॉन्स पेपर की बहुत ही ज़्यादा सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतने ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ एक बार रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें। प्रॉन्स पेपर फ्राई बनाने के लिए यहाँ हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 4-5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना, 2 कड़ी पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया और एक अनियन ली हूँ। इन चीज़ों को अच्छे से वॉश करके हम इसका मिक्सर में एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने प्रॉन्स को अच्छे से क्लीन करके वॉश कर ली हूँ। अगर आपको देखना है इसे कैसे क्लीन करते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है प्रॉन स्टिक फ्राई की रेसिपी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करना है, जिसके लिए मैंने नमक ऐड की हूँ टेस्ट के हिसाब से, हल्का सा हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1 चम्मच भर के जो हमने पेस्ट बना के रखा है मिर्ची का, वो ऐड की हूँ। 1/2 लेमन का जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सभी मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सब मसाले ऐड करने के बाद इसे आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, या फिर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ मैंने कढ़ाई में हल्का सा ऑयल ऐड की हूँ और इसमें मैं अपने सारे प्रॉन्स ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने सारे प्रॉन्स कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ। इसे फुल फ्लेम पे हमें सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही कुक करना है। प्रॉन्स को हमें फुल्ली कुक नहीं करना है, हाफ ही कुक करना है। हाफ इसे हम मसाले में कुक करेंगे और ये प्रॉन्स हमारे रेडी है। इसे अब हम निकाल के साइड में रख लेंगे। फिर इसे हम उसी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड की हूँ, 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की हूँ। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। यहाँ हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन चुका है और उसमें से अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। उसके बाद जो मसाला हमने पीस के रखा है वो पूरा इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ हमारे मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भून गया। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड की हूँ। इसका नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले भी प्रॉन्स में ऐड किया है तो ये नमक ध्यान से ऐड करें। उसके बाद यहाँ मैंने एक शिमला मिर्ची और एक प्याज ली हूँ, जिसे बारीक बारीक कट कर ली हूँ। उसे हम मसाले में ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसे कवर करके हम 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ आप शिमला मिर्ची और प्याज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर आपको रोटी के साथ खाना हो। हमें ऐसे ही खाना था इसलिए हमने कम क्वांटिटी में ली है। यहाँ हमारे मसाले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये प्याज और हमारी मिर्ची भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। उसमें अब हम प्रॉन्स ऐड कर देंगे, 1/2 लेमन का जूस ऐड करेंगे, हल्का सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्रॉन्स ब्लैक पेपर फ्राई है इसलिए इसमें ब्लैक पेपर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। ये सब मसाला ऐड करने के बाद हमें फुल फ्लेम पे प्रॉन्स को पकाना है, क्योंकि हमने इसे हाफ ही कुक किया है तो इसे अभी हाफ कुक करना हमें बाकी है। क्योंकि जल्दी पक जाते हैं तो इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट में ये रेडी हो जाएगा और ये हमारे प्रॉन्स बन के बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। देखा आपने इसे बनाना भी कितना आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें मसाला ऐड नहीं किए जाते, लेकिन ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।